हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। दोस्तों, फिर से एक और बार मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे बीकॉम सेम टू स्टेटिस्टिक्स के बारे में। उसका चैप्टर नंबर है 2। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने भूल से बोल दिया था कि चैप्टर नंबर 1, लेकिन वो भी चैप्टर 2 ही था। आज के इस अध्याय में उसी चैप्टर नंबर 2 की दूसरी रीत के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है न्यूनतम श्रेणिक। तो आज के इस अध्याय में शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो को देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको वो भी सम समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और GST ई-वे बिल, इनकम टैक्स के रिलेटेड, GST ई-वे बिल, टेली ERP 9 के रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसके पहले 2-3 दिन पहले ई-वे बिल में अपडेट आए थे, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चैप्टर नंबर टू। चैप्टर नंबर 2 का सम नंबर है 13। उसमें है न्यूनतम श्रेणिक की रीत। न्यूनतम श्रेणिक की रीत मैंने यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये कोष्टक दिख रहा होगा। ये कोष्टक आपको ये ABC 1 2 3 4, ये पूर्वठ हो और ये मांग, ये एज इट इज कोष्टक आपको यहाँ पर आंसर में उतार लेना है। जैसा आपको दिया हुआ है वैसा कोष्टक आपको यहाँ पर रख लेना है। एज इट इज ABC 1 2 3 4 पुरवठा मांग, पूरा का पूरा कोष्टक आपको यहाँ पर लिख लेना है। सम नंबर है 13, रीत का नाम है न्यूनतम श्रेणी की रीत। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पूरे का पूरा कोष्टक एज इट इज उतार लेना है। इसके बाद मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पर पूरे कोष्टक में यहाँ से लेकर ये जो 3 कॉलम यहाँ पर दी हुई है ABC और 1 2 3 4, ये इसमें से जो सबसे छोटी रकम है वो आपको सिलेक्ट करनी है। सबसे छोटी रकम आपको सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ 1। ये 1 सबसे छोटी रकम है। तो यहाँ पर उसकी मांग कितनी दी हुई है 50, और इसका पुरवठा कितना दिया हुआ है 60। तो 50 कम है तो हमने यहाँ पर ऊपर लिख लिया 50, और यहाँ पर कितने बचे 10। 50 में से 60 में से 50 जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 10 बचेंगी, तो हमने यहाँ पर 50 लिख लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये 10 बचा। तो इसके बाद अगर हम दूसरे, इससे सबसे छोटी रकम थी उसको तो हमने सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद यहाँ पर 0 हो गया, तो इसके ऊपर वाली रकम डैश और ये ऊपर वाली रकम डैश, समझ में आया। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे छोटी रकम सिलेक्ट करनी है, फर्स्ट सिलेक्ट करी। इसके बाद इसकी मांग और इसका पुरवठा कितना है, तो यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 60 है, तो दोनों में से जो कम है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया 50, और यहाँ पर हमारे पास 10 बचा, और यहाँ पर 0 हो गया, तो हमने ऊपर भी डैश कर दिया और इसके ऊपर भी डैश कर दिया। पूरी लाइन हमें ध्यान में नहीं रखनी है अब। इसके बाद जो सबसे बड़ी है, एक के बाद 2, तो 2 हमारे पास यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना है मांग पुरवठा, और यहाँ पर 40, तो 40 में से 25 जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 15 बचेंगे, तो हमने यहाँ पर 25 लिख लिया, और यहाँ पर 0 हो गया, तो हमने यहाँ पर डैश और यहाँ पर डैश। इसके बाद इससे बड़ी संख्या, मतलब यहाँ पर ये 3 तो हट गई, ये तो आएगा नहीं, यहाँ पर एक 3 बचा हुआ है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 25 बचा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास 10 बचा हुआ है, तो हम यहाँ से 10 सिलेक्ट कर लेंगे 10, और यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 15।
तो यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो हो गया, तो इसके लाइन में जो जो भी आता हो खाली खाली कॉलम उसको हम डैश कर देंगे। मतलब ये तो डैश ही हो गया था और ये 50 हमने सिलेक्ट कर लिया था, अब यहाँ पर ये डैश कर देंगे इसको। इसके बाद इससे बड़ी संख्या मतलब तीन के बाद चार, चार तो यहाँ पर ख़त्म हो गई है, चार तो ये डैश हो गया है। और इसके बाद हम पाँच देखें तो पाँच भी हमारे पास ये ख़त्म हो गया। इसके बाद छः की बात करें तो ये छः भी हमारे पास डैश हो गया, सिर्फ ये बचा हुआ है छः। तो हमारे पास यहाँ पर कितना है 20 और यहाँ पर है 15, तो 15 में से 20 जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 5 बचेंगे। तो हमने यहाँ पर 15 सिलेक्ट कर लिया और 15 सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर 0-0 हो गया, तो हम इसको डैश कर देंगे और इसको भी डैश कर देंगे। इसके बाद 6 के बाद हम बढ़ते हैं 7 की तरफ, तो 7 हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ है 15 और यहाँ पर 20 बचा हुआ है, अभी पूरे का पूरा 20 बचा हुआ है। यहाँ पर 15 हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। इधर हमारे पास 0 हो गया तो इसको हम यहाँ से डैश कर देंगे। इसके बाद मैं आगे बढ़ूँ तो 7 के बाद हमारे आता है 8, तो हमारे पास ये रहा 8, तो ये लास्ट में यहाँ पर भी 5 बचा हुआ है और यहाँ पर भी 5 बचा हुआ है, तो ये हमने यहाँ पर 5 लिख लिया और ये भी उड़ गया और ये भी ख़त्म हो गया। मतलब कि आपको लास्ट में जो भी ये यहाँ पर जो भी आएगा वो ये मांग और पुरवठा दोनों मैच होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये इसके बाद हमें यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बाद हमें यहाँ पर दिया हुआ है ए, यहाँ पर ये एक है, ये दो है और ये तीन है, ठीक है। तो ये एक और ये एक मतलब X11, ये X11 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा X11, और यहाँ पर हमारे पास कितने हैं 5 हैं, तो X11 बराबर 5। इसके बाद 1 और ये 4, तो X14 बराबर यहाँ पर हमें 15 दिया हुआ है। इसके बाद B1 और ये 1, तो एक मिनट दोस्तों, ये हमारे पास ये 2 है, ये 2 और ये 1, मतलब 21 बराबर हमारे यहाँ पर दिया हुआ है 15, तो ये 21 बराबर हमने यहाँ पर 15 लिख लिया। इसके बाद ये 2 और ये 3, तो 2-3 बराबर 25, 3-2 बराबर 50। इसके बाद 3-4 बराबर हमें यहाँ पर दिया हुआ है 10। ये सबका हमें यहाँ पर इज इक्वल इन मल्टीप्लाई करना होगा, ये 5 और 8 का मल्टीप्लाई, 5 और 8 का मल्टीप्लाई करना होगा और 15 और 6 का 50 × 1 25 × 2 15 × 7 और 10 × 10, ये सब का हमें यहाँ पर गुणा कर करना होगा और हमारा जो लास्ट में आंसर आएगा वो होगा 365। ये सब का गुणा कर करना है और उसके बाद हमें ये सब प्लस करना होगा, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 5 × 8, ये दोनों का गुणा कर करा फिर हम यहाँ पर प्लस ले लेंगे, फिर 15 और 7 का हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा और हम यहाँ से इसे प्लस कर देंगे। ये ऐसे ही आपको टोटल लिखकर आपको लास्ट का आंसर जो होगा वो होगा 365। तो दोस्तों आपके लिए बीकॉम सेम 2 वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी जो मैं आपके सामने रखी है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, इम्पोर्टेंट लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर कुछ भी इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपका फीडबैक कमेंट के ज़रिए ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ।